जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसराम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी बड़ी संकष्टी चतुर्थी में से एक मानी जाती है। इसका बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है और इस बार बहुत ही शुभ संयोग के साथ आइए, क्योंकि सोमवार का दिन है और संकष्टी चतुर्थी, और सोमवार का दिन पढ़ने से बहुत ही सर्वार सिद्ध योग बना हुआ है। ग्रहों का गोचर इस दिन बहुत ही श्रेष्ठ योग बना रहे हैं, जिसके कारण नौ भाग्यशाली राशियों को बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों सोमवार दिन संकष्टी चतुर्थी पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन देखिए भगवान शंकर का माना जाता है और गणेश जी भगवान शंकर के प्रिय पुत्र कहलाते हैं। दोस्तों गणेश जी देखिए प्रथम पूज्य होने के साथ साथ रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और शुभ लाभ इनके पुत्र हैं। अगर सच्चे मन से गणेश जी का पूजन किया जाए, भगवान शंकर का पूजन किया जाए, तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। और जो दंपति संतान की इच्छा रखते हैं उन्हें तो अवश्य ही भगवान शंकर का और गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही दोस्तों इस दिन अगर आपको दो वस्तु मिल जाए तो दोनों वस्तु आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, नहीं तो एक वस्तु तो अवश्य ही शिवलिंग पर चढ़ाएं, जिससे भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होंगे और आपको संतान सुख का आशीर्वाद देंगे। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों सोमवार के दिन देखें सुबह के समय आपको भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना है और आपको पंचामृत से मतलब शिवलिंग का अभिषेक करना है, या फिर आप सिर्फ दूध से और दही से आपको मतलब शिवलिंग का अभिषेक करना है। साथ ही दोस्तों भगवान शंकर की पूजन सामग्री में जो भी वस्तु आपके पास है वो तो अवश्य ले जाएं, और आपको जो दो वस्तु जो विशेष रूप से लेकर जानी है वो है एक तो सुपारी, देखिए सुपारी गणेश जी का स्वरूप माना जाता है, गणेश जी का रूप माना जाता है, और दूसरी वस्तु है मदार, यानी आंकड़े का फूल, मदार, आक, अकोवा, जिसे न जाने कई नामों से जाना जाता है, ये गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों अगर आपको सफेद रंग का जो आंकड़े का फूल होता है अगर वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सफेद रंग का जो आंकड़े का जो फूल होता है या वृक्ष होता है वो गणेश जी का रूप माना जाता है और भगवान शंकर की प्रिय वनस्पति मानी जाती है। तो इस दिन अगर आप शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलकर ये दो वस्तु चढ़ाते हैं तो निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। साथ ही दोस्तों जो मतलब दंपति यानी जो बहनें जो संतान के लिए इच्छा रखते हैं, मदार की जड़ को अपनी कमर में धारण करना चाहती हैं, तो इस दिन मदार की जड़ अवश्य लेकर आएं, मतलब आप पहले ही लाकर रखें और शिवलिंग पर अर्पित करके और शुक्रवार के दिन उसे कमर में धारण कर लें, क्योंकि इस दिन बहुत ही शुभ संयोग है। देखिए संकष्टी चतुर्थी भी है और सोमवार का दिन है और दोनों ही दिन बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं, और शिवलिंग पर चढ़ाकर अगर आप मदार की जड़ को अपनी में धारण कर लें, चाहे तो आप उसी दिन धारण कर लें या फिर आप मतलब शुक्रवार के दिन इसको धारण, बहुत ही शुभ संयोग है। तो इस दिन अगर आप मदार की जड़ धारण करना चाहें तो अवश्य ही शिवलिंग पर चढ़ाकर धारण कर लें। साथ ही दोस्तों आपको देखिए शिवलिंग पर अभिषेक करना है, पहले आप दूध से दही से करें और उसके बाद शुद्ध जल में गंगा जल डालकर ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको अभिषेक करना है, मतलब आपको भगवान शंकर को मतलब तिलक अक्षत अवश्य चढ़ाने हैं, शिव परिवार का आपको पूजन करना है। दोस्तों उसके बाद आपको सुपारी पर देखिए रोली से तिलक करना है और उसमें तीन बार कलावा लपेटते हुए अपनी मनोकामना बोलकर अपने दोनों हाथों में रखें उस सुपारी को और अपनी इच्छा बोलकर उसको शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसे ही दोस्तों आपको देखिए जो आंकड़े का जो आपको फूल है अगर मिल गया है तो बहुत ही अच्छा है, आप उसको भी अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा दें, इससे भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होंगे। और आपको देखिए इस दिन आपको भगवान शंकर को सफेद वस्तु का भोग अवश्य लगाना है, आप किसी भी सफेद वस्तु का भोग लगा सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो आप मिश्री का भोग अवश्य लगाएं और वहीं पर आपको थोड़ी देर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें और आपको ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः यानी गणेश जी के मंत्र का आपको जाप करना है संतान प्राप्ति के लिए। इस प्रकार आपको देखिए मतलब भगवान शंकर का पूजन करना है, उनकी आरती करनी है। दोस्तों गणेश जी की जो पूजा होती है संकष्टी चतुर्थी की वो सायकाल के समय की जाती है, तो आप सायकाल के समय चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की स्थापना करें और गणेश जी का पूजन करें, नहीं तो आप अपने मंदिर में ही गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। उनको देखिए पीला चंदन अवश्य लगाएं, लाल रोली मतलब बहुत ही प्रिय है, उनको तिलक करने के बाद अपने मस्तक पर लगाएं और चावल आपको भिगोकर ही मतलब गणेश जी को अर्पित करना चाहिए, साथ ही उनकी जो प्रिय वस्तु होती है हरी दुर्वा अवश्य आप उनको चढ़ाएं
और आपको देखिए केले का भोग लगाना है। और इस दिन अगर आपको लड्डू मतलब जो बेसन के लड्डू होते हैं या फिर बूंदी के लड्डू होते हैं उस 4 लड्डू का आपको भोग लगाना है, नहीं तो आप घर में भी देखिए बेसन को भूनकर आप लड्डू बना सकती हैं। साथ ही दोस्तों गणेश जी के आगे आपको चौमुखा दीपक जलाना है, यानी 4 बत्तियों का दीपक आप आटे का भी बना सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो 4 बत्ती का दीपक जलाना है और वहीं पर बैठ कर आपको अपनी मनोकामना गणेश जी के सामने बोलनी है, उनसे प्रार्थना करनी है। हे गणेश जी, आप भगवान शंकर और माता पार्वती के प्रिय पुत्र हैं और हमें भी संतान सुख प्रदान करें। और वहीं पर बैठकर दीपक जलाकर आपको ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः का, नहीं तो आप ओम गणेशाय नमः, ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का आपको एक माला का जाप तो अवश्य करना है। साथ ही दोस्तों अगर आपने व्रत करा है तो आप चंद्रमा को अर्ध अवश्य ही देंगे, तभी आप अपना व्रत खोलेंगे। दोस्तों अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तब भी आपको चंद्रमा को अर्ध अवश्य देना चाहिए। आपको एक लोटे में थोड़ा सा जल लेकर थोड़ा सा कच्चा दूध और मीठा डालकर चंद्रमा को अर्ध देना चाहिए, इससे जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं, संतान प्राप्ति में चल रही रुकावटें दूर होती हैं और आपके जीवन में बहुत ही शीघ्र खुशहाली का आगमन होता है। दोस्तों संकष्टी चतुर्थी का अर्थ ही होता है संकटों को हरने वाली, और गणेश जी विघ्न हरता है, सभी संकटों को हर लेते हैं। तो आप गणेश जी का और भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें, क्योंकि इस बार देखिए बहुत ही श्रेष्ठ योग बना हुआ है। सोमवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का पढ़ना और ग्रहों का गोचर इस दिन बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है 9 भाग्यशाली राशियों के लिए। इन 9 भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन। दोस्तों ये 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको शेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही इस दिन देखिए भगवान शंकर का और गणेश जी का पूजन अवश्य करें तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव।